ट्रेंड्स क्रिकेट के गेम में बहुत सारे चेंजेज हुए हैं। आज मैं उन चेंजेज के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। इनमें से कुछ चेंजेज हैं, क्रिकेट के नए रूल्स आए हैं, तो ये रूल्स क्या हैं उनके बारे में भी बताऊँगा। पहले मैं हिंदी में बताऊँगा, इसके बाद एक वीडियो इंग्लिश में भी अपलोड करूँगा। रूल्स क्या हैं कि अब तक क्या था कि बैट की थिकनेस का कोई रूल नहीं था। बैट नीचे से कुछ मोटा हो जाता था, जैसे जिससे कि उसमें ज़्यादा पावर आ जाती थी। कवर्स के ऊपर से छः आ रहे हैं, पॉइंट्स के ऊपर से छः आ रहे हैं, उसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो रहा था। तो उसमें चेंज आया कि अब आपके बैट की थिकनेस जो है वो कहीं पर भी 67 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये रूल पहले इम्प्लीमेंट किया गया ऑस्ट्रेलिया में एक कमेटी बनी रिकी पोंडिंग के अंडर में, उसने पूरा एनालाइज किया और उसके बाद ये फाइंड आउट किया कि बैट की थिकनेस इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि उससे क्या हो रहा था, एक्स्ट्रा पावर मिलती थी। अब इससे कौन कौन से, जैसे धोनी बहुत मोटा बैट यूज करता था नीचे से, तो उससे क्या है कि उसे एक्स्ट्रा पावर मिलती थी। हालांकि धोनी में बहुत पावर है, हम सब जानते हैं, वो वैसे भी सिक्स मार सकते हैं, लेकिन उससे उन्हें एक्स्ट्रा पावर मिलती थी। ऐसे ही क्रिस गेल, उन्हें भी बहुत एक्स्ट्रा पावर मिलती थी। और दूसरे रूल्स भी आए हैं, जैसे हमारा दूसरा रूल्स है कि जैसे हम टेस्ट क्रिकेट में देखते थे कि 3 मिनट का गैप होता था जब बैट्समैन जाता था और आता था, अब उसे घटा के 2 मिनट कर दिया गया है। और अपने ये भी चेंज आया है रूल्स में कि जब वो बैट्समैन दौड़ रहा है वो करीब में पहुंच गया, और पहुंचने के बाद अगर उसका बैट उठ भी जाता है तब भी वो उस अब तक वो आउट दे दिया जाता था, लेकिन अब से वो आउट नहीं दिया जाएगा। और हमारे यहाँ पर क्या होता था कि बहुत सारे रूल्स मतलब ऐसे थे जिनके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं था। जैसे कि अगर बॉल 2 बार से ज़्यादा बाउंस हो जाए तब क्या होगा, तो मतलब उसके लिए कोई रूल्स नहीं था। अगर बैट्समैन नहीं खेल पाता था उसे डेड दे दिया जाता था, अब क्या है कि उसे नो बॉल दिया जाएगा, और जो लेग बाई और बाई के रन होंगे वो सेपरेटली काउंट होंगे। वो नो जैसे नो बॉल हो गई, नो बॉल के साथ में लेग बाई होगा तो वो सेपरेटली काउंट होंगे, नो बॉल के साथ में काउंट नहीं होंगे। तो ये बहुत सारे रूल्स आए हैं, तो उन रूल्स के बारे में मैं आपको बता रहा था। और एक रूल्स ये भी आया है कि जैसे बैट्समैन को अंपायर ने आउट दे दिया, अब आउट होने के बाद बैट्समैन चलने लगा, अब वो सपोज कर दूसरा बैट्समैन आ गया, तो उसके लिए पहले एक टाइम होता था, उसी टाइम में अंपायर को डिसीजन लेना होता था और आउट दे दिया। उसके बाद फील्ड में उसे रोक लिया जाता था कि रुक जाओ, लेकिन अब क्या है कि जब तक अगली डिलीवरी नहीं फेंकी जाती तब तक उसे अंपायर कभी भी वापस बुला सकता है। तो ये बहुत बड़े चेंज हैं हमारे गेम में, और वो हम सबको इन रूल्स को वेलकम करना चाहिए। थैंक यू।